पर माता रानी ने अमन की मुराद पूरी करी तो तू बताई हो तो मैं पक्का लाऊंगा। एक मिनट पंडित जी, आपका फिर नहीं आए वाले पूछ रहे। कल इसे इतनी थक लगी बिचारी को कि ये अभी आ रही है। मैंने आपके पापा को नहीं देखा है। फरमाइश भी हर किसी से नहीं होती है चाची, पता है ना। तो अभी दीदी ने जो माता रानी के लिए भेंट लाई थी वो आज हम चल चल के ही थक गए हैं। फिर से ये संख्या बढ़ गई है और ताकि पहाड़ में भमोर भी होते हैं और मुझे काम भी लगाया, गप्पे मार रहे हैं। इनके बात हो जाए तुम। हाँ, गंदा खाना हो तो लोग ऐसे बोलते थे। और फाइनली ये गधा भी ना के आ गया और आखिरी दिन है जब सभी लोग मिले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और आज मौसम की बात करें तो बादल भी आ रखे हैं और हल्की फुल्की धूप लग रखी है और यहाँ पे अलग ही महफिल बैठ रखी है। तो अभी मेरी पूजा दीदी की और कक्कू की तैयारी हो गई है मंदिर जाने की और एक इंसान वहाँ पे बैठे बैठे सो रहा है और ये जा रही है, इस बेचारे की नौकरी है। तो पूजा दीदी माता रानी के लिए भेंट ला रखी है तो वो हमें चढ़ाना है। अभी दीदी इंतजार कर रही है अपनी पूजा की बारी आने का क्योंकि अभी अंदर मेरे मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि दीदी की बारी आए और फिर हम घर जाएं। और आज 12:30 बजे के बाद अष्टमी भी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे मौसा जी लोगों ने हवन वगैरह सब तैयार कर लिए हैं तो 12:30 बजे के बाद यहाँ पे हवन होगा। और आज हमारे यहाँ हवन होगा तो सभी लोग ज्योतिल चावल और लकड़ी वगैरह ला रहे हैं मंदिर के लिए। तो जब तक हमारी बारी आती है तब तक हम जा रहे हैं गदा प्रसाद 2 नंबर के घर पे चाय पीने के लिए। मेरी चाची के पता नहीं कितने बिस्तर हैं सुखाने के लिए और यहाँ पे जब भी आओ जहाँ से यहाँ पे एंट्री होती है वहाँ लौंग की और कद्दू इतने दिखते हैं कि हम क्या बोलें। तो कभी कभी ये गधा अच्छे काम भी कर लेता है जैसे ही हम आए हमारे बैठने के लिए। कुर्सी ला रहा है ये। अकड़ा ठीक ठाक रहा ना तेरा सब? बस तक इससे थोड़ा भूखे रहे थे। क्यों, उनके हिस्से का तू नहीं खाया? वो थोड़ा लड़कियों का नंबर मांग रहे थे, भूख मेरा दे देता। और जिस चीज के लिए हम अभी आए थे वो चीज चाची ने बना दी है तो हम आए थे यहाँ चाय पीने के लिए। अभी मेरी चाची ने हम सबके लिए चाय बना दी है। और चाय पीने के बाद अभी हम आ गए हैं हमारे घर में और कल से लगभग मेरे पापा मेरे सारे ब्लॉग्स में आ रहे हैं तो अब लगभग कोई भी लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने आपके पापा को नहीं देखा है। अभी चाचा जी भी आ गए और अभी भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे लग रहे चाचा अब लाल कलर की धोती में। धन्यवाद। अरे चाचा कंधे बगल वाले से पूछो जरा नाया भी बल। अरे पंडित जी, आपका फिर नाया वाले पूछ रहे। आज नाया तो इसीलिए मैं इन्हें गधा बोलती हूँ। एक ऊपर बैठा है बिना नहाए और एक यहाँ पे। चलो ये तो कम से कम ना गया। तो ये है गधा नंबर फर्स्ट। और हमारे तो बर्थ हैं ये लगे हुए हैं मिठाई खाने पे। मेरी चाची ने तो घलताने चाय बनाई थी पर अभी जो सबसे अच्छी चाय बना के ला गई है वो कक्कू लेके आ गई है। और ये चाय दिखने में ही बहुत मस्त है ना पूजा दीदी? वो चाय कैसी हो रही थी? और यहाँ पे महफिल बैठी हुई है। और चाय पीने के बाद अभी सभी जा रहे हैं अपने अपने घर और मैं और पूजा दीदी जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। और चाचा के बेटे को भूख लग गई है तो चाचा अपने बेटे को नाश्ता करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। और अभी मेरी छोटी बाटी भी आ गई है यहाँ पे। तो अभी दीदी गई है फूल लाने के लिए और अमन फूल तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो हवन के लिए जितने भी ज्योति ला रहे हैं वो यहाँ पे रखे जा रहे हैं और लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि सबके घर से ज्योति ला रहे हैं तो अभी नब्बू भी लेके आ गया है। तो पूजा दीदी की पूजा हो गई है, अब हम जा रहे हैं जेपी चाचा लोगों के यहाँ। गांव में जो सबसे भयंकर मजे हैं वो इन दोनों के हैं। रौनक इन दोनों से बनी हुई है क्योंकि ये भागते रह रहे हैं कभी हमारे घर, कभी आव्या लोगों के घर और कभी बिट्टू लोगों के घर। तो सबसे ज्यादा मजे इनके हैं।
प्रणाम जी प्रणाम। अभी आपका ब्लॉग देखा जा रहा है, है? अभी आपका ब्लॉग देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और यहाँ पे जो पेट पूजा करने आया था वो अब वो मेरा ही ब्लॉग देख रहा है। लूसी अभी अपने लिए, दादी के लिए और अपने बेटे के लिए खास कर बना रही है नाश्ता। तो वही तो फरमाइश भी हर किसी से नहीं होती है चाची, पता है ना आपको, जिससे प्यार प्रेम होता है उससे ही। और इस बार मेरी दादी बद्री विशाल के दर्शन करने गई थी तो दादी भी आ गई है। तो दादी कैसा लगा? बढ़िया। दादी को दादी इस बार कम से कम 8-10 दिन बद्रीनाथ में रह के आई है। दादी आठ बड़े हुए, 10 दिन रह के आई बद्रीनाथ। तो बहुत बहुत बधाई हो दादी, धन्यवाद। तो अभी दीदी ने जो माता रानी के लिए भेंट लाई थी वो हमने अभी पिना भी दी है। अभी हम सब जा रहे हैं संजू भैया के घर पे, और हम सब से मेरा मतलब है कि आयुष, जेपी चाचा, अमन, संजू भैया और पूजा दीदी और मैं। तो अभी हम आ गए हैं हमारे मोहल्ले पे, और यहाँ पे चाची ने मिर्च सुखाने डाल रखी है, और चाची ने मंडवा जो कि अभी कुछ दिन में कूटा जाएगा, और मेरी बड्डी जा रखी है यहाँ से शादी में, और आज मेरी बड्डी ने जो यहाँ पे मंडवा डाला था वो कूट दिया है। और आज हम चल चल के ही थक गए हैं। अभी यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद चाचा, अमन और संजू भैया जा रहे हैं बाजार, और मैं, पूजा दीदी, कक्कू, हम सब जा रहे हैं हमारे घर, साथ में मेरी बेटी आबू और मेरी बुल्ली बिट्टू भी। तो अभी हमारे भ्राता श्री गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, और आधे रास्ते में अभी हमें मिल गए हैं। ऐसे संजू के पास जाऊंगा कल ये दर्शन। कहाँ गए संजू? ब्रदर तुम ठीक हो? हाँ बढ़िया हूँ, आप बढ़िया हो? जच रहे हो? हाँ धन्यवाद। कर लिए माता रानी के दर्शन? कर लिए माता रानी के दर्शन। तो अभी कक्कू, पूजा दीदी, सौरभ, मैं और शौर्या हम हो गए हैं यहाँ पे इकट्ठे। अब थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ के गप्पे मारेंगे, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे कि मैंने बोला था कि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रहेगी। तो अभी फिर से ये संख्या बढ़ गई है, और यहाँ से यहाँ, और मेरी मम्मी भी, और गप्पे मारने के लिए इतने एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि सोफा पीछे से यहाँ खींचा जाता है, और ताकि सबके मुंह देखे जाए। लगभग कई सालों के बाद हम सब भाई बहन एक साथ मिल रहे हैं और कार्ड्स खेल रहे हैं, और भाइयों में सबसे छोटा शौर्य है, और शौर्य से बड़ा ये है, तो ये बांट रहे हैं, और देखते हैं कि सबसे पहले कौन जीतता है हम में से। तो यहाँ पे मैं और नब्बू तो जीत गए हैं, साथ में आयुष जीत गया, आयुष भी जीत गया है, पर इनका गेम खत्म नहीं हो रहा है। न लल्ली दीदी न भैया, ये देखो हारते हुए लोग, गधे लोग। चल चल चल, बड़ो पड़ी बड़ो बता। ये और अभी जो जीतेगा वो मटर पनीर बनाएगा इनके लिए, और साइड बाई साइड हमारी सब्जी भी छीली जा रही है। और मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगी, और मैं ही इनके लिए पनीर बनाऊंगी। पनीर इनको किसी को बनानी नहीं आती है मेरे अलावा। और जैसा कि मैंने बोला था कि जो जीतेगा वो पनीर बनाएगा, तो मैं जीत रखी हूँ कि ये अभी खेल रहे हैं। और आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि पहाड़ में भमोर भी होते हैं, और आज देख भी लिया है, क्योंकि आज तक मैंने इनको टेस्ट नहीं करा था। तो अभी मैंने लाए थे 2 भमोर, जिसमें से मैंने 1 अमन को दे दिया है और 1 इन दोनों को दे दिया है। मैंने खा रहा चिली खाना है, मैंने पहले कभी नहीं खाया था। पांगा तो कैसे हो रहे? खत्म को तो टेस्ट भी नहीं पता है। और अगर इस बार माता रानी ने अमन की मुराद पूरी करी, तो हम भी माता रानी को कुछ बड़ा गिफ्ट देंगे, है ना अमन? गिफ्ट अमन लेके आएगा गिफ्ट। और संजू भैया की भी अगर मन इच्छा पूरी हुई तो आप क्या दोगे भैया? आप कुछ अच्छा सा देना, मैं बताऊंगी, ठीक है? तू बताइए, वो तो मैं पक्का लाऊंगा। एक मंदिर फिर से बनवाएंगे? नहीं, मंदिर एक ही ठीक होता है गाँव में। बाकी मेरी दिल से प्रार्थना है और शुभम का इस बार थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए, तो फिर हम भी कुछ सोचेंगे। मुझे कान पे लगाया, कुछ गप्पे मार रहे हैं, यही होता है छोटे बच्चों के साथ। भाई मेरा व्रत है, लगा मैं तुम सबके लिए 2 दिन अपने व्रत में मटर पनीर बना रही हूँ। एक्टिंग के बादशाह हो जी तुम। हाँ कक्कू, तो कक्कू तुम्हें अवार्ड देंगे हम एक्टिंग की, ठीक है? बस भगवान से यही दुआ करना कि घर में छोटा मत होना। हाँ, तो एक दुआ जरूर मांगना कि घर में छोटा मत होना, और दूसरा मेरा कि किसी को खाना अच्छा बनाना नहीं आना चाहिए। गंदा खाना हो तो लोग ऐसे बोलते छी अब नहीं बनाना, और अच्छा खाना हो तो लोग ना तू ही बना। मेरे को जिताने के लिए इन्होंने इतना सब कुछ करा, मैं जीती, मेरे से पनीर बनवा रहे।
और इसकी और मेरी शक्ल मैच नहीं होती है दोस्तों, ये कहाँ से मेरा भाई लगता है। गोरा, ये पनीर मैंने बनाई है दोस्तों। गोरा तू भाई, भगवान में पता नहीं कभी कभी सुनते क्यों नहीं है कुछ। फाइनली कक्कू की मेहनत सक्सेसफुल हुई, तो कक्कू जी बताइए तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, जो हमने सोचा था पनीर बनेगा तो पनीर ही बना, और अगर ये लाज नहीं रखता तो हम चीज बनाते। मटर पनीर मैंने बना दी है, मैं बासमती का भात मैं इनके लिए बना रही हूँ। जब मेरे व्रत होते हैं तब ये ऐसा खाना रोज बनाते हैं दोस्तों। और खाना बनाने के बाद अभी मंदिर में हो रहा है हवन, तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो हवन के लिए अभी अग्नि आ रही है। और फाइनली ये गधा भी ना के आ गया, और इस गधे का आज व्रत है इस चक्कर में कि इसको फलहार खाने को मिलेगा। सुसाद जी, 10 बजे जिस समय मैं इसके घर गई दोस्तों, उस समय ये ना नहीं रखा था। इदं सूर्याय इदं नमः स्वाहा। तो अभी बन गया है और सीधे झपट गए हैं ये सब। तो इन पांचों के लिए मैंने ये मेहनत करी है, तो कैसे हो रहा है? एक नंबर ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को तो बोलने की भी फुर्सत नहीं है, कोई सीधे लग रखे हैं धपा धप खाने पे। एक वो और एक ये, नहीं आपने बोल दिया था। और अभी शाम हो गई है, और मेरी माँ का कुछ दिनों से काम है शाम को कि यहाँ जितनी भी राजमा लग रही है उसको निकालने का। और यहाँ राजमा तो निकालते टाइम इतनी सारी हो रही है, और जब मम्मी इसको छील रही है तब ये एक टाइम की दाल बनाने के लिए भी नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, ये वाली राजमा वैसे मुझे अच्छी लगती है, एक दो टाइम हम आराम से इसे खा सकते हैं। और आज मौसम भी खराब हो गया है, और अभी हमारी बुआ भी आ गई है, और आज हमारा खाना है गाँव में चाचा लोगों के यहाँ, तो हम वहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खाना खा के अभी हम आ गए हैं घर, और अब हम जाएंगे माता रानी की आरती में। और आज वो आखिरी दिन है जब सभी लोग मिलके आरती करेंगे, क्योंकि कल कई लोग हवन होने के बाद चले जाएंगे अपने अपने घर, तो अभी हम जाएंगे माता रानी की आरती में। कल इसे इतनी थक लगी बेचारी को कि ये अभी आ रही है, तो थकान लग रखी। और ऊपर आरती हो रही है, और इन दोनों का अलग ही चलता। तो आरती के बाद अभी हम आ गए हैं चाचा लोगों के घर, और यहाँ स्पेशल मैगी बन रखी है अपन लिए, और अभी इसका खाना भी बन गया है। और यहाँ मैगी पता नहीं क्या क्या बना रखा है, पार्टी कर रहे हैं ये दोनों अकेले। तो अभी हम आ गए हैं सोने के लिए, और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।